अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है एक मूवी का ट्रेलर और जिसका टाइटल है हसीन दिलरुबा। अच्छा इसको देखो तुम बोला गाने याद आ रहा जवाने जाने मन हसीन दिलरुबा। एनीवे गाइस अभी बात करते हैं इस मूवी की और इस मूवी को डायरेक्ट किया है विनिल मैथ्यू ने और इसकी प्रोडक्शन की बात की जाए तो उसमें है आनंद एल रॉय, हिमांशु शर्मा, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार। लग रहा है मुझे। हाँ और कास्ट की अगर हम बात करें तो इसमें है तापसी पन्नू है और साथ में है विक्रांत मैसी है, हर्षवर्धन राणे है, आदित्य श्रीवास्तव है, इसमें भी इंस्पेक्टर का ही रोल कर रहे हैं, आशीष वर्मा है, यामिनी दास है और दया शंकर पांडे है। वेल अभी देख लेते हैं ये ट्रेलर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आपने दिनेश पंथियों की किताब पढ़ी है? क्या लिखते हैं, छोटे छोटे शहरों में ना बड़े बड़े कत्ल करा देते हैं, पता ही नहीं चलता। बताओ मैडम, क्यों मर्डर किया आपने अपने पति का? पहली बार लड़की देखने गए, कोई प्यार में पड़ता है क्या? बहू अपने हाथ से पकौड़े बना दे। पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे। बायोडेटा में लिखा था कि तुम सर्वगुण संपन्न हो। बायोडेटा में आपने भी लिखा था आपका बेटा 5'10" का है। इंची टेप पे ना 5'8" ना डाबे लड़का। वैसे कैसा लड़का चाहिए था आपको रानी जी? जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, डैशिंग हो, नॉटी हो, कभी कभी चुन ले। कैसे संबंध है आपके नियंत्रित पार्टी के साथ? शारीरिक संबंध तो मानसिक होते हैं, शारीरिक तो संभव होता है। लवर फरार है और मैडम घुमा रही है। एक बार कुछ लीड हाथ आ जाए इसको तो जेल में सड़ा डालूंगा मैं। सरे डायर आशिक के साथ मिलके हजम कर गई मेरे दोस्त। चीजें उड़ा दिया उसके। हर कहानी के ना बहुत पहलू होते हैं, फर्क बस ये होता है कि कहानी सुना पा रहा है। मेरा मन करता है कि तुम्हारा गला घूंट दूं। पंडित जी अपनी किताब में लिखते हैं अमर प्रेम वही है जिसपे खून के हल्के हल्के से छींटे ताकि उसे बुरी नजर ना। पहले तो इस दिनेश पंडित को घसीट के लाओ थाने में। जी सर। पागलपन की हद से ना गुजरे वो प्यारी कैसा। भाई बात करें तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी इन दोनों की मूवीज की तो इन दोनों की मूवीज की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है, बेशक वो वेब सीरीज में हो या बेशक वो मूवीज में हो। बिल्कुल। और आज जो ट्रेलर हम लोगों ने देखा है मुझे तो बहुत ही, मैं कहूंगी कि एक मिस्टीरियस सा थ्रिलर और समझ ही नहीं आ रही थी कि कहानी जा किस साइड पर। वैसे थ्रिलर मूवी का ना यही मजा था कि जब आप उसका ट्रेलर या टीजर देखते हो आपको समझ नहीं आती। अभी हमें जो है थ्रिलर भी लग रही है, अभी थोड़ी सी बीच में हॉरर भी लग रही है, वो जहाँ पे एकदम सामने एकदम सामने आ जाते हैं ना इनके एंड पे, जब ट्रेलर एंड पे जाता है तो वो जिस तरह उनके सामने थे बार बार, फिर बिल्कुल एंड पर जाके सस्पेंस लगना शुरू हो जाती है। तो अभी जो है यार बहुत ज्यादा यू नो मिक्सअप हो रहा है। अच्छा पता नहीं डिफरेंट स्टोरीज मेरे दिमाग में चल रही हैं इस ट्रेलर को देखकर। लाइक एक स्टोरी मेरे जहन में जो आ रही है वो ये कि जैसे विक्रांत मैसी के साथ शादी हो जाती है, फिर शायद उनको मार दिया जाता है और फिर लेकिन वो मरते नहीं है और उसके बाद मतलब वो दोबारा से आ जाते हैं। दूसरी स्टोरी ये चल रही होती है कि मे बी उनका अफेयर हो जाता है किसी और के साथ या पहले से कोई अफेयर होता है और दोनों मिलकर प्लान करते हैं। और तीसरी स्टोरी बस यही चल रही है कि जो नॉवल की वो बात कर रही है मे बी उसको वो फॉलो करती है ट्रैप करने की।
ये भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अपने हस्बैंड के साथ मिलके वो जो है उसे ट्रैप कर रही हूँ। हाँ, तो ये तो अब जब क्या नाम लेते मूवी देखेंगे तभी पता चलेगा। तो अदकरी वैसे ये आने भी वाली है। हाँ, लेकिन ये कि बताइए ऐसी मूवीज ऐसा मुझे देखने का बहुत मजा आता है। और तापसी पन्नू की मूवीज स्पेशली मैं बात करूंगी कि ऐसी होती है जिनका सब्जेक्ट बहुत मजे का रहता है, यानी कि स्टोरी लाइन जब आप देखते हो तो आप काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो। और तापसी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, विक्रांत भी बहुत अच्छे एक्टर। तापसी की अगर मैं बात करूँ उनकी, हमने पिंक मूवी देखी थी सिनेमा में, वो उसमें बहुत मुल्क मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी। हालांकि उस मूवी में अगर हम बात करें जो उनके ऑपोजिट थे, मुझे उनका नाम भूल गया, मौजम जो राज मूवी में भी थे, आदित्य नहीं यार, जो आशुतोष राणा सर, अच्छा आशुतोष राणा, बात करना चाहूंगी कि उनकी भी बहुत बहुत कमाल की एक्टिंग थी, यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग थी कि आपको देखकर मजा आ रहा। आशुतोष राणा सर की बात करें तो वैसे एक बहुत सीनियर एक्टर है, जिस तरह वो अपने रोल में जान डालते हैं ना मूवी के कैरेक्टर के हिसाब से। खासतौर पर मुझे उनकी एक मूवी जो है वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी, बेशक बाकी सारे भूल जाए, जिसमें वो किन्नर बने होते हैं, वो वाली मूवी मुझे कभी नहीं भूलेगी। फिर उसके बाद में अगर विक्रांत मैसी की बात करूँ तो इनकी जो है हमने वेब सीरीज देखी मिर्जापुर, मिर्जापुर में इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। फिर उसके बाद मैंने इनकी क्रिमिनल जस्टिस भी देखी, उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि पूरा रोल उनका बहुत अच्छा है उस मूवी में, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिंग है। मिर्जापुर के अलावा भी मैंने एक और वेब सीरीज देखी थी, उसमें विक्रांत थे, लेकिन मुझे उस वेब सीरीज का नाम भूल गया, वो भी बहुत अच्छी थी। बट ये कि हाँ, मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज स्पेशली मुझे तो अच्छी लगती हैं जो हम लोग सोशल इश्यूज पर देखते हैं, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है मूवीज देखना। और कुछ इतना अब मुझे लगता है कि इस टाइम पर आकर जो रोमांटिक मूवीज है ना वो देखने का इतना ज्यादा मन नहीं। यार असल में पता क्या, एक आपकी एज का फैक्टर भी होता है कि एक एज होती है आपको रोमांटिक मूवीज रोमांटिक सीन बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, फिर उसके बाद एक एज आती है कि आप जो है ना बायोग्राफी या क्राइम थ्रिलर या हिस्ट्री बेस्ड जो इस तरह की मूवी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पास्ट में हुई हो उनके ऊपर जो मूवीज बनी होती है वो आपको देखने का बहुत मजा आता है। मैंने अभी रिसेंटली जो है जो लास्ट मूवी मैंने देखी है वो मैंने दी ताशकंद फाइल्स देखी थी, मुझे वो देखने का बहुत मजा आया। और हर्षवर्धन की यहाँ पर बात करेंगे, जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है मारवा, उनके साथ भी उनकी एक मूवी आई हुई है, मतलब आई थी और उसका एक गाना बहुत ज्यादा हिट भी था, एक नहीं बल्कि आई थिंक एक दो गाने काफी ज्यादा, जो एक तो उसमें तो ये था खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, शुक्र है मुझे याद आ गया, अदरवाइज भूल जाया करता है। बस मूवी का नाम मुझे अभी भी नहीं खैर याद। और अगर हम इंस्पेक्टर साहब की बात करें, दित्या जी की बात करें, तो हम उन्हें सीआईडी के जमाने से, यानी कि बचपन से हम उन्हें देख रहे हैं, उनकी भी अगर इंस्पेक्टर जो है एक्टिंग स्किल्स की बात कीजिए तो बहुत अच्छी है। वैसे अगर कुछ मूवीज हैं उसमें उन्होंने नेगेटिव टाइप रोल भी, यानी कि एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं लेकिन थोड़ी हद तक नेगेटिव रोल किया है, मेरे जहन में मूवीज का नाम नहीं आया, लेकिन वो भी रोल उन्होंने बहुत अच्छे किए हुए हैं। वेल ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग एक हम लोगों को मैं कहूंगी एक ट्रेलर था। म्यूजिक की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा, इवन के जब ट्रेलर स्टार्ट होता है और म्यूजिक जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इंतहाई मैं कहूंगी खूबसूरत था, यानी कि होता ना कि आपका जो म्यूजिक होता ना वो आपके दिमाग को एक सिग्नल देना शुरू कर देता है कि ये अब क्या है, सीन होने वाला है या मतलब किस टाइप की मूवी होने वाली है। जैसे अगर कोई रोमांटिक होगा तो वो सिग्नल देगा, हमारा थोड़ा सा ना माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, फनी होगा तो और असल में म्यूजिक जो है ना वो भी बड़ी टाइप्स का होता है, कुछ होता है जो आपके अंदर थली डाल देता है, कुछ ऐसे म्यूजिक होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा यू नो सुकून रिलैक्स करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि म्यूजिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मूवी का, क्योंकि बैकग्राउंड स्कोर में आई मीन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो आपके मूड को जिधर मर्जी लेकर जा सकता है अगर जो म्यूजिक पावरफुल हो। एनीवे गाइस ओवरऑल काफी ज्यादा मजा आया। हर्षवर्धन की वैसे मैंने मूवीज नहीं देखी कभी, लेकिन ये है कि ये वाली मैं मूवी जरूर देखने वाली हूं। और ये मूवी जो है 2 जुलाई को जो है रिलीज होने वाली है, लेकिन अगर मैं इस मूवी के पोस्टर की बात करूँ ना तो पोस्टर में तापसी पन्नू जो है वो बहुत कमाल की लग रही है, और जो पोस्टर है ना वो भी काफी ज्यादा मैं कहूंगी कि भड़कीला, मतलब भड़कीला इन द सेंस कि आग लगाने वाला है। उसमें क्या ना पोस्टर भी इस तरह बनाया हुआ है कि औरत बहुत पावरफुल दिखाई हुई है और दो मर्द दिखाए हुए हैं जो उसकी आग में झुलस रहे हैं। मौजम ऐसे बहुत अच्छा इंटरप्रेट किया मौजम ने, सीरियसली ऐसा ही लग रहा है कि औरत उनसे ना
थोड़ी सी वैम टाइप लुक लग रही है तापसी की, और जो मर्द हैं वो उनके साइड पर ऐसे लग रहा है कि वाकई आग में झुलस रहे हैं। और मैं जाने से पहले ये भी पूछना चाहूंगी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं कि कोई अच्छी सी वेब सीरीज बताएं हमें देखने के लिए, रिकमेंड करें, क्योंकि हम लोग देखना चाह रहे हैं, स्पेशली मैं देखना चाह रही हूँ। मैं आपको बता दूंगा, अभी रिसेंटली एक दो मैंने वेब सीरीज जो है वो उनके ट्रेलर देखे थे, हम लेना चाहते हैं बिल्कुल, काफी सारे अच्छे अच्छे हम लोग को ऑप्शन फिर मिल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन जो है मैं भी इन्हें ऑप्शन दूंगा, आप भी इन्हें जो है अपने अपने प्रस्ताव दें, तो जो इन्हें अच्छा लगेगा वो पहले ये ट्रेलर देखेंगे। मैं पहले बताता हूँ, पहले ट्रेलर देखेंगे, फिर अगर इन्हें पसंद आएगा तो देखेंगे। वेल गाइस, दिस इज हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। इसी साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।